फरहाद, बात सुनना। एक मिनट बात सुन। तुमसे काम था, सोच रही हूं बताऊं या नहीं, क्योंकि अगर तुमने इनकार कर दिया तो मेरा सारा भरम टूट जाएगा। तुम बोल के देखो, मना नहीं करूंगा। पक्का? सोच लो, काम जरा मुश्किल है। मेरी जिंदगी में कुछ मुश्किल आसान नहीं है, सब हो सकता है। ठीक है, कल बताऊंगा। ठीक है, सुनो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो भी बता सकते हैं। अच्छा, रिदा का फियांसे है ना, उसकी बर्थडे है, तो वो चाहता है रिदा से मिलना, लेकिन अंकल उसे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे क्योंकि वो मायों में है। अच्छा, काफी टेंशन है। तो क्या प्लान है तुम्हारा? बस इसी मसले का हल निकालने की कोशिश में है, बस तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहना। बेफिक्र रहो। अच्छा सुनो, कहती हो तो जाके उठा के ले आते हैं उसको। क्या हो गया, पागल हो, मरवाओगे? मैं तुम्हें बता दूंगी। माय बीबी, कितने रह गई हैं आप, सब बुला बंडे हैं। तुम्हें पता है पान कब से मांग रहे हैं मेहमान? तुम्हें तो कोई ख्याल नहीं होगा। मैं लेकर आ रही हूँ, जाओ। छेती आ जाए। फरहाद, तुम बहुत अच्छे हो। तेरी अक्कर यार, इतनी जल्दी लड़की ने तुझसे हाथ भी मिला लिया। सिर्फ हाथ नहीं मिलाया, दोस्ती किया उसने मुझसे, और कह रही थी दोस्ती निभाएगी भी। अशके भाई अशके, यार फिदी, तेरी तो मोजे लग गई यार। यार फिदी, यार मेरी भी किसी डिफेंस वाली अमीरजादी के साथ सेटिंग करा दे यार। कसम से कई साल हो गए हैं मोहब्बत किए हुए। तू साफ क्यों नहीं बोलता, तुझे कोई मुंह ही नहीं लगाती इन्हीं हरकतों की वजह से। सच यही है तो मैं क्या करूं? यार तू इसको छोड़, ये बता आगे क्या इरादे हैं? मुझे तो लगता है लड़की तुझ पे लट्टू है। मेरी मान फीदी, आई लव यू बोलने में देर ना करना। हाँ, आज कल की लड़कियों और खाली चिंची रक्षों में कोई फर्क नहीं होता, किसी भी लम्हे सवारी मिल सकती है। हाँ सही कह रहे हैं। कहीं ये ना हो तू भी सड़क पे अकेला खड़ा रहे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं।
सही मौके का इंतजार है, फिर देखूंगा और झट से बोल दूंगा आई लव यू। आई लव यू बोले? आई लव यू बोले? हाँ नहीं बोल सकता तू? मैं बोल दूंगा। हाँ।